TH24 वेब वार्ता न्यूज एजेंसी में INS इंडिया में। सर आज आपदा कश्मीर फिल्म के ऊपर जैसे कि काफ़ी लोगों ने बवाल भी किया है, कुछ आम आदमी पार्टी से कार्यकर्ताओं से हमने द फिल्म के बारे में बात किया तो उन्होंने कह रहे हैं कि बीजेपी की एक झुंझलाबाजी है, उसके विषय में द फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो पार्टी कश्मीर के रेफरेंडम की बात करती हो, जो पार्टी सैनिकों के सम्मान को सैनिकों को सम्मान नहीं देती हो, जो पार्टी बालाकोट एयर स्ट्राइक जो हमने जवाब ने की उस पर सवाल उठाती हो, उसके बाद उसको लिए हम राष्ट्रवाद की बात करना, उनके तो ऐसी बात है कि वो झूठ पे बोलेंगे। लेकिन सच्चाई तो ये था, कश्मीर फाइल्स आज लोगों के बीच में एक पॉपुलरिटी हो गई है क्योंकि सच्चाई दिखाई जा रही है और किस प्रकार से पिछले कई सालों से जिस प्रकार से कश्मीरी पंडित विस्थापित होके हुए हैं और वो सच्चाई दिखाई गई किस प्रकार से उनके ऊपर कहर ढाया गया और उनको मजबूर होना पड़ा अपने घर द्वार छोड़ने के लिए। तो सच्चाई से जो जुटलाएंगे तो उनका कारण है, लेकिन आज जिस प्रकार से आज लोगों के बीच में कश्मीर फाइल फेमस हो रही है और इस प्रकार से लोगों के बीच में सराही जा रही है, वो दिखाता है कि लोग पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को और निश्चित तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर टैक्स फ्री करना चाहिए और अरविंद केजरीवाल को पीछे देखनी चाहिए। वो टैक्स फ्री करने की उम्मीद में नहीं है, अभी आंदोलन भी आदेश गुप्ता हत्या किए हैं उससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। देखिए वो कहते रहो, जब उनको उम्मीद, हम उनसे उम्मीद भी इतनी नहीं करते क्योंकि जिस प्रकार से जो लोग बालाकोट एयर स्ट्राइक पे क्वेश्चन उठाते हैं वो देश की रक्षा और देश के सैनिकों और देश के कश्मीर के बारे में, उनके बारे में रेफरेंडम की जब वो बात करते हैं उसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा चर्चा करनी। धन्यवाद।